नमस्कार, आर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर इस बार आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लोगों को देश के लिए बलिदान दिए हुए वीरों को और उनके संघर्ष की गाथा को याद दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है। इसी अभियान के तहत मुसाफा के डॉक्टर शिव उमाद डिग्री कॉलेज के प्रधान आचार्य डॉक्टर शिव शंकर गुप्ता ने आजादी के अमृत महोत्सव की मुहिम हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को मुफ्त में झंडा वितरित किया है। लोगों के उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें तमाम लोग सम्मिलित हुए और ग्रामवासियों और छात्राओं के साथ गांव में सामूहिक तिरंगा रैली निकालकर हर घर पर तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया गया। इसी के साथ ही ग्रामीण और छात्रों के द्वारा लोगों को झंडा वितरित किया गया है और इस यात्रा के बाद चाय और लड्डू का वितरण किया गया। इस अवसर पर राम सहारे गुप्ता, संजय और तमाम ऐसे लोग शामिल रहे और काफी उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। और बिहार में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया और उन्होंने इसके बाद राजद यानी आरजेडी के साथ नए गठबंधन का ऐलान किया है। और इस राजनीतिक घटनाक्रम पर बीजेपी के अलावा विपक्ष के तमाम नेताओं ने भी खूब प्रतिक्रियाएं दी। अब इसी पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रतिक्रिया सामने आई और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बिहार के राजनीतिक संकट पर कहा है कि बीजेपी ने बिहार के लोगों को सुचितापूर्ण शासन दिया, कानून का राज स्थापित किया। बीजेपी आज भी बिहार के लोगों के भावनाओं के अनुरूप काम करती रहेगी, वहां 2024 में बीजेपी ही जीतेगी। तो वहीं डिप्टी सीएम से पहले विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। सपा प्रमुख ने कहा था कि ये अच्छी शुरुआत है, अंग्रेजों भारत छोड़े के नारे वाले दिन बिहार से बीजेपी भगाओ का नारा आ रहा है। मुझे लगता है कि अलग अलग राज्यों में राजनीतिक पार्टियां और जनता जल्दी ही बीजेपी के खिलाफ खड़ी होंगे। और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने तिरंगा यात्रा के दौरान बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने अगस्त क्रांति दिवस पर कन्नौज के झौआ गांव में एक रैली के दौरान बयान दिया है। सपा प्रमुख ने इस दौरान बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर भी यूपी सरकार पर निशाना साध दिया है और अखिलेश यादव ने पहले आरएसएस पर बिना नाम लिए हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो आज घर घर तिरंगा पहुंचाना चाहते हैं, जो इनकी पार्टी है, जिस पार्टी से इनकी पार्टी चलती है, उसने कभी भी भारत का झंडा नहीं लगाया है। ये बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इनकी जो असली पार्टी है, उसने कभी भारत का झंडा नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग और गुरुजन ये जानते हैं, इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो आज घर घर तिरंगा लहराना चाहते हैं, उन्होंने कभी तिरंगे का विरोध किया था। तिरंगे का विरोध करने वाले लोग आज तिरंगे के सहारे हमारे और आपके घर में पहुंचना चाहते हैं। घर घर लोगों ने झंडे हमेशा लगाए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना रही थी। और 9 अगस्त का दिन वो दिन है जिस दिन ये फैसला लिया गया था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना है। कभी 1942 में आज ही के दिन न जाने कितनी गिरफ्तारियां हुई होंगी, और उस समय के स्वतंत्रता सेनानी, उस समय के महापुरुष, उस समय के नेता, उस समय के आम जनता ने मिलकर के भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। इसलिए समाजवादी पार्टी ने 9 अगस्त को तय किया है कि हम सभी गांव में समाजवादी कार्यकर्ता और जनता से अपील करेंगे कि राष्ट्र का झंडा लगाएं अपने घर पर और सम्मान। मुजफ्फरनगर में अग्निपथ योजना और किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक पंचायत का आयोजन किया। इसमें आसपास के हजारों किसानों ने हिस्सा लिया और ये पंचायत यहां के बिटावदा गांव में आयोजित की गई। इसी की अध्यक्षता किसान नेता राकेश टिकैत ने की है और राकेश टिकैत ने तिरंगा यात्रा को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को तो हम झंडा फहराएंगे, मुजफ्फरनगर में परेड भी करेंगे और अपना ट्रैक्टर अपना तिरंगा के तहत हर ट्रैक्टर पर तिरंगा लगेगा, लेकिन हम सरकार से कहेंगे कि जितने ट्रैक्टर हमारे हैं उनके हिसाब से तिरंगे गांव में हमें दे। साथ ही बिहार की राजनीति पर भी राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि जितनी जल्दी नीतीश कुमार इनसे अपना पीछा छुड़ा लेंगे उतना ही ठीक है, नहीं तो अगला उद्धव ठाकरे नीतीश कुमार बनेंगे। उसने अपनी जान बचा ली, ठीक कर लिया, और ये झारखंड की सरकार भी गिराएंगे। जहां जहां दूसरों की सरकारें हैं ये गिराएंगे और विपक्ष इकट्ठा हो जाए और इनसे अपनी जान बचा ले। ये गांधी परिवार से एक को जेल भेजेंगे और दिखाएंगे कि हमने जेल भेज दिया। इनका इलाज किसान ही करेगा और ट्रैक्टर हमारा टैंक होगा जिससे युद्ध होगा। और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, शिवपाल यादव ने पार्टी की कार्यकारिणी घोषित कर दी है। कलादित्य यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और आज पार्टी की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई। बड़ी घोषणा यहां पर शिवपाल यादव की तरफ से कर दी गई है। और आपको बता दें कि कल ही आदित्य यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और आज पार्टी की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। बता दें कि शिवपाल यादव की तरफ से ये बड़ी घोषणा कर दी गई है। काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे और आज आखिरकार पार्टी की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है और इसी क्रम में आदित्य यादव को कल ही प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी गई थी और आज पार्टी की कार्यकारिणी घोषित की गई है, जिसके आधार पर अब आगे पार्टी रणनीति तय करेगी और काम को किस तरीके से करना है, किस तरह से पार्टी का विस्तार किया जाएगा, उस पर भी अहम चर्चाओं का दौर अब शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें शिवपाल यादव ने पार्टी की ये कार्यकारिणी है जो घोषित कर दी है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यहां आपको बताते चलें कि समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कन्नौज दौरे के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस बीच अयोध्या में भी आजादी का अमृत महोत्सव बनाने को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई और जगह जगह उत्तर प्रदेश में इस वक्त तिरंगा यात्रा को लेकर जनसभाएं की जा रही हैं, तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं। और इसी क्रम में आपको बता दें कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के तहत आज अयोध्या में आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। साथ ही साथ आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने भी अयोध्या पहुंचकर नाका के गांधी आश्रम से तिरंगा यात्रा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर बाइक रैली में शामिल हुए हैं। इस दौरान आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि आज पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल हो रहा है और घर घर पर तिरंगा लगाने की होड़ मची है। ये तिरंगा यात्रा जन आंदोलन बन रहा है और तिरंगा यात्रा एकता का संदेश दे रहा है। तो साथ ही साथ मंत्री नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को जनता ने नकार दिया है, समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है, अब ना कोई मुद्दा है ना कोई विजन रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव को राजनीति सिखाने की या सीखने की जरूरत नहीं है, जब जनता लगातार चार बार नकार चुकी है तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि आखिर कारण क्या है। एक जन आंदोलन भी बन गया है और मैं तो कहूंगा कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया था, तो आज हम लोग देख सकते हैं कि प्रदेश के जन जन में जागरूकता आई है और आज जिस तरीके से उत्साह से लोग तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं, प्रभात फेरियां निकाल रहे हैं और हर घर में तिरंगा लगाने की एक मैं देख रहा हूँ कि एक होड़ सी मची हुई है, एक मुहिम बन गया है। ये मैं 13 तारीख से जो ये 13 से 15 तारीख का जो अभियान है, मैं समझता हूँ प्रदेश के हर घर में
एक तिरंगा जरूर लहराएगा और हम एक संदेश भी दे रहे हैं कि तिरंगा, क्योंकि एक हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा अभिमान है, हम लोग की पहचान है, इस तिरंगा यात्रा से पूरा। और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर के लिए। बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करवा दें कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा है। बता दें, मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, उन्हें दिल का दौरा पड़ा जिसके बाद उन्हें एम्स ले जाया गया है। एम्स में फिलहाल भर्ती हैं राजू श्रीवास्तव। होटल के जिम मैंकर में वर्कआउट कर रहे थे और इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ने की पुष्टि हुई है और उन्हें इसी अवस्था में एम्स अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डॉक्टर्स के सुपरविजन में फिलहाल राजू श्रीवास्तव का इलाज किया जा रहा है। और आपको बता दें कि होटल के ही एक जिम में वो वर्कआउट कर रहे थे और वर्कआउट के समय राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बड़ी लापरवाही और या कहें दबंगई सामने आई है, जहां पर उन्होंने एक युवक को बेरहमी के साथ पीटा है। आपको बता दें कि इस युवक को होटल के कमरे में ले जाकर बंद करके दो दिन तक पुलिस ने इसके साथ मारपिटाई की। कोतवाली क्षेत्र से ये ऐसी तस्वीर सामने आई है जो वाकई झंझोर कर रख देने वाली है, क्योंकि घाटमपुर पुलिस एक युवक के घर के अंदर पहुंची और उसे पकड़कर होटल में बंद कमरे में बेरहमी से पीटा गया। और आपको बता दें कि इस युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि एक शख्स का जब शव मिला तो वहां मौजूद था। दरअसल आपको बता दें कि बीते महीने पासी के गांव में बाहर तालाब में एक युवक का शव मिला था। इस शव को देखने के लिए युवक मौके पर पहुंचा और वहीं कुछ लोगों ने पुलिस के साथ मारपिटाई और हाथापाई शुरू कर दी। इस पर पुलिस ने करीब 50 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया और हद तो ये हो गई कि इन पुलिस वालों ने इस युवक को जबरन गिरफ्तार किया और दो दिन तक गांव से कुछ ही दूरी पर सड़क के किनारे एक होटल में ले जाकर इस युवक के साथ मारपीट की गई है। युवक को इतना पीटा गया कि उसके पूरे शरीर पर काफी गंभीर चोटें आईं, यहां तक कि उसे खून की उल्टी हुई जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस वाले इस युवक पर लात घूंसे बरसाते रहे जैसे कि इस युवक ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो और उसे माफ करना नामुमकिन रहा हो। लेकिन अब आपको बता दें कि युवक काफी डरा और सहमा है, ये किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इसने कहा है कि सिर्फ मुझे पुलिस वालों ने बेरहमी से पीटा है और अब ये पीड़ित परिवार प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है और कह रहा है कि आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाए। आप थाने में चौकी ओनाडा सेक्टर 93B स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला के साथ गाली गलौज करने और हाथापाई करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी श्रीकांत त्यागी को मंगलवार को सूरजपुर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। श्रीकांत त्यागी ने अदालत ले जाते समय इस घटना पर खेद व्यक्त किया। उसने कहा है कि वो इस घटना पर खेद व्यक्त करता है, वो महिला मेरी बहन की तरह है और ये घटना राजनीतिक है और मुझे राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए की गई थी। अब नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने मंगलवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि श्रीकांत त्यागी को आज सुबह ही 3 साथियों के साथ मंगलवार को मेरठ से गिरफ्तार किया गया था। अब पुलिस द्वारा श्रीकांत त्यागी से गहनता के साथ पूछताछ की गई और उसे फरार रहने के दौरान किस किस ने शरण दी थी इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई है। कमिश्नर ने बताया है कि त्यागी ने एक कार पर विधायक का स्टिकर लगाकर अपनी पहचान गलत तरीके से पेश की थी और ये स्टिकर उसे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जगह जगह तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ता भी अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र कार्यालय में आज भाजयुमों ने पदाधिकारियों ने एकत्रित होकर यहां पर कानपुर बुंदेलखंड के अंतर्गत आने वाले 17 जिलों के शहीद स्थल की भूमि की मिट्टी को कलश में इकट्ठा किया है। और आपको बता दें कि एक संकल्प लिया गया,
भाजयुमो ने कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष सुनील साहू ने बताया है कि कानपुर मंडल की भूमि क्रांतिकारियों की भूमि रही है। इसी को देखते हुए भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कानपुर बुंदेलखंड के अंतर्गत आने वाले 17 जिलों के शहीद स्थलों से कलश में मिट्टी को कलश में ले जाकर कानपुर में क्रांतिकारियों की भूमि बिठूर लाई गई और यहां पर बिठूर में स्थित कारगिल पार्क में सभी शहीदों के नाम से एक पौधा रोपित किया जाएगा ताकि सभी शहीदों को एक साथ एक स्थान पर लाया जा सके। महोत्सव की आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस पावन अवसर पर हमारे आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने संकल्प किया है, युवा मोर्चा के सभी जिलाध्यक्षों ने संकल्प किया है कि इस पावन मौके पर प्रत्येक जो हमारे 17 जिले आते हैं कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में, हर जिले के भीतर जो हमारे शहीद स्थल हैं, तो हम लोगों ने संकल्प किया हर शहीद स्थल से वहाँ की पवित्र माटी रज, हमने रज इसमें लिखा है कलश में, रज का मतलब है माटी को वहाँ ला के 17 जिलों से और कानपुर के बिठूर में जो कारगिल पार्क है वहाँ 17 और हल्द्वानी से एक खबर है जहां स्वराज आश्रम से कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में स्वराज आश्रम से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को भी सम्मानित किया गया है। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शहर भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई है जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जिस तरह से आजादी की लड़ाई के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था उसी प्रकार आज एक बार फिर देश को जरूरत है कि भारत जोड़ने की, क्योंकि धर्म और मजहब की राजनीति देश को तोड़ने का काम कर रही है। इसीलिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसी बीच हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि देश को तोड़ने वाली साजिशों को नाकाम करना होगा, लिहाजा कांग्रेस सरकार की नाकामियों को उजागर करते हुए भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देखिए आज कांग्रेस ने पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और 9 अगस्त 1942 को भी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और आज कांग्रेस ने एक नई शुरुआत की है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो कहा। अपने ऐतिहासिक स्थल से भी शुरू हो रही है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन, ये स्वराज आश्रम, और मुझे पूरा विश्वास है जो भारत जोड़ो अभियान जिस प्रकार से केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से, राज्य सरकार की नीतियों की वजह से। और रुड़की के डीएवी चौक पर अमर शहीद महावीर चक्र विजेता आशाराम त्यागी की प्रतिमा का अनावरण रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने किया। दरअसल आपको बताते चलें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की लड़ाई में महावीर चक्र विजेता आशाराम त्यागी शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में डीएवी चौक पर प्रतिमा का अनावरण विधायक प्रदीप बत्रा ने किया, जहां पर मौजूदा लोगों ने वहां पर महावीर चक्र विजेता आशाराम त्यागी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके बलिदान को याद किया। लोगों ने मेजर आशाराम त्यागी अमर रहें और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। मुझे तो इतना फक्र महसूस हो रहा है कि मेरे वार्ड में एक मेजर की, जिन्होंने इतना मतलब बॉर्डर पे लड़कर अपना शौर्य का वो दिखाया है, तो हमें बहुत खुशी और वार्ड वाले भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बहुत बहुत बधाई है 15 अगस्त घर घर झंडे का, एक संकल्प है कि घर घर झंडा। लालकुआं वन विभाग और नेशनल हाईवे ने आज संयुक्त रूप से पंतनगर से लेकर हल्द्वानी तक बारीकी से निरीक्षण किया है। इस दौरान तराई केंद्रीय वन प्रभाग के वन अधिकारी वैभव कुमार सिंह और तराई पूर्वी वन विभाग हल्द्वानी के प्रांगीय वनाधिकारी संदीप कुमार और नेशनल हाईवे के साइट इंजीनियर तुषार गुप्ता समेत वन विभाग और नेशनल हाईवे के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान तराई केंद्रीय वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी वैभव कुमार ने कहा है कि आज तराई केंद्रीय और तराई पूर्वी वन प्रभाग और नेशनल हाईवे द्वारा संयुक्त रूप से हाथी कॉरिडोर का व्यापक निरीक्षण किया गया।
और इस बीच हाथियों के आने जाने के रास्ते का बारीकी से मुआयना किया गया है। हाथी कॉरिडोर का भी निरीक्षण किया गया और उन्होंने कहा है कि निरीक्षण की रिपोर्ट शासन को भेजकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज हमारी जो है जो NHAI के अधिकारियां उनके साथ बैठक हुई है और ये साइट विजिट रखी जा रही है और इसका उद्देश्य यही है कि जो एलिफेंट कॉरिडोर का जो प्रकरण जो ये लंबे चल रहा है उसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाए ताकि जल्दी इस जो हाईवे है इसके निर्माण कार्य को भी समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके और जो हमारे एलिफेंट मूवमेंट के जो इशू है उसको भी रिजॉल्व किया जा सके। एक जो मीटिंग हुई है साहब के संग और बड़ी जो पॉजिटिव हुई है जो मीटिंग और अभी तो ये फैसला हमारी उच्च अधिकारियों को जो लेना है उसके बाद जो भी अभी फैसला होगा तो आपको बता भी दिया जाएगा। जी हमने पूरा पंथ है जो नगर से और भलवानी तक का किया है जो निरीक्षण तो अभी चिन्हीकरण का कार्य हो रहा है चल रहा है NH का कार्रवाई चल रही है। जो सद्भाव का जो कंपनी कर रही थी काम इसका टेंडर जो निरस्त करने के लिए हमने इसको जो नोटिस भी दे रखा है और किसी नए ठेकेदार को जो लाने के लिए हमने जो निवेदिता को आमंत्रित। एक महत्वपूर्ण एरिया है गोला टांडा कॉरिडोर जो है क्योंकि इसमें जो है एक तराई आर्क लैंडस्केप जो है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें जो है हाथी द्वारा जो है आवागमन किया जाता था। अब इसमें जब ये नेशनल हाईवे जब प्रस्तावित किया गया था तो इसमें जो है कुछ अंडरपास की बात कही गई थी इसमें तो उसी के लिए चूँकि ये एक तराई सेंट्रल और तराई ईस्ट का दोनों का एरिया है जहाँ पे जो है एक हाथी के आवागमन के लिए बहुत और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।